फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी शेयर की, जिसका यहाँ पे प्राइस 5.25 रुपये आता है। एंड ये भी समझेंगे, इसकी कंक्लूजन भी देंगे कि ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा है या बुरा है। ओके, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अभी हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम चलते हैं स्लाइड। तो अभी हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटी की। यदि इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का बिजनेस यहाँ पे फर्स्ट चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ प्रेजेंटली हैविंग मेंबरशिप ऑफ वेरियस एक्सचेंजेस इन दी बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग एंड रिलेटेड सर्विस। ओके, इस तरह का इसका कुछ बिजनेस है। फाइनेंशियल से ये वर्क करती है। यदि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एक ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन 458 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 23.5 का स्टॉक पी ये शेयर डिजर्व करता है। आरओसी की बात करें तो पॉजिटिव आरओसी 9.48 का आरओसी, आरओई भी इसका एक अच्छा आरओई है। एंड पेनी स्टॉक होने के साथ साथ दोनों आरओसी एंड आरओई पॉजिटिव तो हैं ही, एंड साथ में 9 और 7 के वैल्यू पर रहते हैं। यदि करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस में आपको पहले ही बता चुका 5.45 रुपये। यदि बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू के सामने ये इसका जो मार्केट प्राइस है वो कोई ज़्यादा यहाँ पे खास ऊपर नहीं है। ओनली यहाँ पे 2 गुने का ही फर्क है, कोई ज़्यादा 3-3, 4-4, 5-5 गुने भी चलते हैं मार्केट में, इतना रहता है, बट यहाँ पे ओनली 2 times ही ऊपर चल रहा है। ओके, एंड यदि हाई और लो की बात करें तो इसका जो लो बना था वो 1.50 रुपये बनाता है, एंड हाई 6.76 रुपये अभी कुछ समय पहले ही बना था। डिविडेंड यील्ड नहीं देती है, एंड फेस वैल्यू की बात करें तो बने। अभी इस कंपनी की हम यहाँ पर सेल्स देख लेते हैं, उसके पहले हम यहाँ पर थोड़ी चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो ये जो कंपनी है वो 15 डेज एंड 200 डेज EMA से अच्छी खासी ऊपर चल रही है, एक बुलिश मोड में काफ़ी लंबे समय से है। एंड यदि इसकी टाइमिंग निकालें तो ये बुलिश मोड में यहाँ से आपको यदि डेट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो डेट यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे अभी ये दिसंबर 30 दिसंबर के अराउंड यहाँ से अपनी बुलिश मोड में स्टार्ट है। ओके, यदि प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसके प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है। फर्स्ट हम इसके प्रोज की बात करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट प्रोज है तो ये गुड क्वार्टर के एक्सपेक्ट रिजल्ट्स अच्छे दे रही है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दे रही है, यही समझ आ रहा है। एंड इसका ग्रोथ प्रॉफिट रिटर्न जो 5 ईयर का CAGR जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो बोलते हैं वो इसका बहुत अच्छा है, 40% है। तो कंपनी एकदम यहाँ पे अच्छी कंपनी यहाँ पे शो रही है CAGR के पर्पज से। तो यदि कॉन्स की बात भी फर्स्ट हम यदि कर लेते हैं, तो यदि मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट कॉन्स लूँ तो इसका जो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स आ रहा है, रिपीटिंग प्रॉफिट तो है बट ये डिविडेंड नहीं दे रही है, ये इसका एक छोटा सा कॉन्स है। एंड सेकेंड कॉन्स है प्रमोटर की लो होल्डिंग है जो 27.59% है। यदि थर्ड इसकी की बात करें तो कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी 1.47 की ही है। अभी हम बात करते हैं इसकी सेल्स की, उसके पहले यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ओके, अभी हम सबसे पहले इसकी सेल्स की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सेल्स चेक करा देता हूँ। ये इस कंपनी की सेल्स है, सेल्स में लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। मैं 2018 के डाटा से एंड क्वार्टरली डाटा को चलते हुए ये मैं दिसंबर 2021 के डाटा पे आया हूँ। एंड आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो इसकी सेल्स है वो लगातार यहाँ पर ग्रो की है। 7 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, देन इस समय 13 करोड़ की सेल्स हो चुकी हैं। हाँ, मार्च 2021 में जरूर इसकी सेल्स यहाँ पे 14 करोड़ थी, देन उससे तो अभी कम है, बट एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ आपको ये शेयर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बता रहा है, खुद ही अपॉर्चुनिटी बता रहा है। यदि बात करें इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख लीजिए कंपनी प्रॉफिट में लगातार, एंड लास्ट क्वार्टर से देखें तो भी प्रॉफिट में। यदि ईयरली बात करें तो ईयरली भी प्रॉफिट में, क्योंकि इसका एक साल पहले दिसंबर 2020 में प्रॉफिट इतना था 2.23 करोड़, एंड इस समय काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी ने यहाँ पे बना के दिया है। तो इस पर्पज से भी कंपनी काफ़ी यहाँ पे ठीक नज़र आती है, काफ़ी मजबूत नज़र आती है। यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो क्वार्टरली भी ग्रोथ हुई है, एंड यदि ईयरली बात करें तो ईयरली भी ग्रोथ हुई है, क्योंकि ये चल रहा था एंड इस समय ये है, तो ईयरली भी ग्रोथ है एंड क्वार्टरली तो है ही ग्रोथ। तो आप देख लीजिए एक अच्छी खासी ग्रोथ है, एंड काफ़ी समय पहले से ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी के अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के भी पर्पज से ये कंपनी यहाँ पे लगातार नेट प्रॉफिट बनाने में कामयाब रही है। ओके, ये जो सेक्शन है ये नेट प्रॉफिट का सेक्शन है, एंड आप चेक कर लीजिए यहाँ पे आपको दिसंबर 2021 का डाटा यहाँ से होगा इस साइड पे। ओके, एंड अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ये सब हम आप बात कर चुके हैं। अभी नीचे चल के इसके CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ये सब
कंपाउंड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यदि बात करें, यदि थ्री ईयर की बात करें तो 41% की बहुत अच्छी ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत अच्छी है इस कंपनी की। आप देख लीजिए सब जगह स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक प्राइस में CAGR बहुत अच्छा चल रहा है। 10 ईयर में बोलें तो 1% है, बट अभी हम देखें तो ये 1 ईयर में बहुत ज़्यादा ये मूव कर चुका है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इस पर्पज से भी अच्छी है, कंपाउंड ग्रोथ सेल्स ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी है। बट थ्री ईयर की बात करें तो थ्री ईयर में जरूर यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव है, निराश किया है, बट 1 ईयर एंड 5 ईयर एंड 10 ईयर में काफ़ी अच्छी खासी इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ी हुई है। शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में भी लगातार यहाँ पर बढ़त हुई है, 2012 से 2013 में यहाँ पर बढ़त देखी गई थी, देन उसके बाद अभी कॉन्स्टेंट ही है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए शेयर कैपिटल 2021 तक यहाँ पर सेम ही दिखाई गई है। रेवेन्यू एंड सरप्लस की बात करें तो रेवेन्यू एंड सरप्लस में थोड़ी सा यहाँ पर झटका इस कंपनी को मिला है, क्योंकि मार्च 2012 में यहाँ पर 143 करोड़ का रेवेन्यू एंड सरप्लस था, देन इस समय ओनली 101 करोड़ का है। बट यदि ईयरली बात करें तो ईयरली तो इसका रेवेन्यू एंड सरप्लस बढ़ा है, बट काफ़ी समय पहले इसका काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, जो इस समय काफ़ी नीचे है। यदि बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग के पर्पज़ से तो यहाँ पर थोड़ी लूज दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर डाटा आपको शो पहले करा देता हूँ, इस समय जो इसकी बोरोइंग है वो 34 करोड़ से, एंड लास्ट ईयर तो इसकी कम थी, तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी इस कंपनी के लिए जरूर है, क्योंकि बोरोइंग इसकी थोड़ी यहाँ पे बड़ी हुई शो हो रही है। इसी प्रकार अदर लाइबिलिटीज़ में भी यही कंडीशन शो हो रही है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे बड़ी हुई शो हो रही है। अगेन अभी हम बात करते हैं एसेट्स की, तो एसेट्स भी इस कंपनी के अच्छे खासे ग्रो होने को दिखे। अदर एसेट्स की बात करते हैं, टोटल एसेट्स की भी बात कर लेते हैं, अदर एसेट की, तो दोनों में ही यहाँ पर बढ़त दिखाई गई है। एंड जितने भी यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहे हैं उन सबसे ज़्यादा एसेट अभी 2021 में देखने को दिख रहे हैं, तो ये एक यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन इस कंपनी के लिए जरूर है। इन दोनों एसेट में ही यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी शो हो रही होगी। अभी हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ओके, तो सबसे पहले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें 3 शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आ रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, FIIs हैं एंड पब्लिक है। ओके, तो इसमें प्रमोटर्स की फर्स्ट हम बात करते हैं, तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी लंबे समय से कांस्टेंट है, तो जो एक यहाँ पे पॉजिटिविटी अगेन दिखा दी है, क्योंकि एक कांस्टेंट प्रमोटर का होना काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी साइन यहाँ पे बना के देता है। बट यदि FIIs की बात करें तो FIIs यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में थे, देन इस समय FIIs यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 0.03% की होल्डिंग यहाँ पे FIIs की रहती थी, देन इस समय FIIs पूरी तरह बाहर निकल गए। जो माल यहाँ पे एग्जिस्ट होने को दिखाया है वो यहाँ पे पब्लिक को दिखाया है। ओके, पब्लिक को माल यहाँ पे दिया जा रहा है, एंड क्योंकि यहाँ पे FIIs भागे हैं तो FIIs ने अपना माल यहाँ पे पब्लिक को दिया है। ओके, तो पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग जो यहाँ पे FIIs बेच के गए हैं, तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक को एडजस्ट होने को आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो काफ़ी ठीक ठाक स्टॉक है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स भी रहे हैं, सेल्स भी यहाँ पे ग्रो होने को दिखी है, फिक्स एसेट भी ग्रो होने को दिखे हैं, तो काफ़ी CAGR भी अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से एक अपॉर्चुनिटी तो इस शेयर में बनती है, बकाया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बकाया यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ध्यान से आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है एंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में हेल्प मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो।